हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल्ट चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऐलान जंग का दूसरा भाग। और सिनेमाटो के दिमाग पर बेहोशी की काली पर चढ़ती चली गई। और फिर तुमने मेरे ऊपर अपना एक और एहसान चढ़ा दिया नागराज। अगर तुम ना होते तो सिनेमाटो मेरे चिथड़े उड़ा देता। धन्यवाद, बाद में देती रहना पोलका। पहले इस नेगेटिव रूप से छुटकारा पाने का उपाय सोचो। अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं आए हैं। इस रूप में हर पॉजिटिव चीज हमारे लिए बम है। मदद तो सिर्फ मेरी लैब पहुंच कर ही मिल सकती है, और वहां तक हम बगैर पॉजिटिव चीजों का स्पर्श कर किए पहुंच नहीं सकते। एक मिनट, तुम यहाँ पर अपनी डेवलपर गन लेकर आई थी ना, वह हमारा रूप बदल सकती है। नहीं नागराज, वह गन तो सिनेमाटो के वार से नेगेटिव बन गई थी। उस वार से उसमें मौजूद डेवलपर रे का असर भी बदल गया होगा। वैसे भी डेवलपर गन हमसे दूर गिरी हुई है, उस तक पहुंचना भी मुश्किल है। इसका तरीका मेरे पास है। जिस नेगेटिव सरप्रस्ती से तुम लटकी हुई थी, उसको मैं गन के पास फेंकता हूँ, और फिर मेरे सर मेरी मानसिक आदेश पर गन को हम पर चला देंगे। ठहरो नागराज, अगर डेवलपर रे का असर बदल गया होगा तो हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। हो सकता है कि हमारी जान ही चली जाए। खतरे में तो हम अभी भी हैं पोलका। फिर डेवलपर रे से आजमाने में भला क्या बुराई है। डेवलपर रे ने दोनों के शरीर से टकराई, और पोलका ने खतरे की आशंका से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन हम सामान्य हो गए नागराज, नॉर्मल हो गए। पर हमारे पॉजिटिव बनते ही नेगेटिव पोल हमारे लिए बम बन गया है। उसकी चिंता मत करो पोलका, अब सरप्रस्ती मेरी कलाइयों से निकल सकती है। सरप्रस्ती हमको बचा लेगी। कमाल कर दिया तुमने नागराज, लेकिन डेवलपर रे का प्रयोग तुमने करके तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। कोई खतरा नहीं था पोलका, मुझे पता था कि अगर मेरे नेगेटिव बनने से मेरे शरीर के सर्प सामान नहीं बने रहे, तो डेवलपर गन की नेगेटिव बनने के बावजूद भी उसमें मौजूद डेवलपर रे भी बदली नहीं होगी। अब मेरी लैब की तरफ चलो नागराज, ताकि मैं डेवलपर रे को भारी मात्रा में बनाकर सभी इमारतों को भी सामान्य कर बना सकूं। और फिर महानगर की नेगेटिव वस्तुओं को सामान्य बनाने का काम शुरू हो गया। एक तरह से अच्छा ही हुआ पोलका कि मुश्तान शाह ने अब उसी आदमी को मेरे पीछे भेजा जिसको तुमने बनाया था, वरना शहर का ये सब नेगेटिव ही बना रह जाता। सच है नागराज, लेकिन मश्तून शाह ने ऐसा करके पूरे मामले को पेचीदा बना दिया है। सिनेमाटो का आना ये बताता है कि या तो मश्तून शाह मुझको मरा हुआ समझ रहा है, या फिर गद्दार। अब उसको ये भी पता चल जाएगा कि सिनेमाटो भी नाकामयाब हो गया है। अब उसको तुम्हारे अफगानिस्तान पहुंचने का डर हो गया है। अब उस तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होगा जितना नंगे पांव तपते रेगिस्तान को पार करना। फिर हम मुश्तान शाह तक कैसे पहुंचेंगे? याद रखो, हमारा मकसद सिर्फ मश्तून का आतंकवाद खत्म करना नहीं, बल्कि भारतीय को भी जिंदा वापस लाना है। उसके पास तुमको सिर्फ मैं ले जा सकती हूँ नागराज, लेकिन अब तो वो मुझे भी अपना दुश्मन समझ लेगा। ऐसा है तो दुश्मन को दोस्त बना लो, और इसका तरीका मैं तुमको बताता हूँ। सुनो, नागराज पोलका को अपनी योजना बताने लगा। वाह नागराज, क्या प्लान बनाया! मैं तो तुम्हारे दिमाग की दीवानी हुई जा रही हूँ। दीवानी होने से पहले तुम जाकर अपनी लैब को डिसमेंटल करो, और मैं जाकर महानगर को सुरक्षित रखने का प्रबंध करके आता हूँ। और अफगानिस्तान के दक्षिणी शहर कंधार के पास एक अत्यंत गुप्त स्थान पर। ए रुक, अंदर का भागा जा रहा है। मश्तून शाह अभी आराम फरमा रहे हैं। हट मेरे रास्ते से, मुझे बंदा परवर मश्तून शाह को एक बहुत जरूरी खबर देनी है। क्या बात है हलबीब, ऐसी कौन सी जरूरी खबर है जो हमारे जागने का इंतजार नहीं कर सकती? सिनेमाटो पकड़ा गया बंदा परवर, और उसको नागराज के साथ मिलकर पकड़ने वाली पोलका है। ऐसी खबर हिंदुस्तान से आई है। पोलका? यानी वह भी जिंदा है? इस खबर का सीधा सा मतलब है कि पोलका गद्दार हो गई है। नजरें खुली रखो हलबीब, नागराज हमारे पीछे यहां तक जरूर आएगा। तभी ट्रांसमीटर पर किसी का मैसेज आ रहा है। हेलो रोजर, हेलो रोजर, पोलका स्पीकिंग। मेरा प्लेन कंधार के ऊपर उड़ रहा है, उतरने की इजाजत दो। ओवर। इजाजत है पोलका, मश्तून अफगानिस्तान में तुम्हारी खैर मकदम करता है। ये जरूर पोलका की कोई चाल है, या फिर नागराज ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। अपने आदमियों से हवाई पट्टी के दोनों तरफ तैनात कर दो, और हल्का सा भी शक होते ही उसको उड़ा देना। समझे हलबीब? समझ गया बंदा परवर। और विमान में बस अब हम उतरने वाले हैं नागराज, तैयार हो जाओ। एक बात बताओ पोलका, ये मश्तून शाह कुछ ही महीनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफल कैसे हो गया? लोग आखिरकार इसका साथ क्यों दे रहे हैं? मस्तून के पास कुछ शैतानी शक्तियां हैं नागराज। वे शक्तियां लोगों को हिंसक और अपराधी बनाती है, और इस कारण अफगानी बंदूकें उठाकर अपने ही लोगों को खून बहा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अफगानिस्तान के पत्थर तो मस्तून शाह का हुक्म मानते हैं, लेकिन उसकी शक्ति का क्या राज है ये मुझे नहीं पता। घातक हथियारों के साए में प्लेन हवाई पट्टी पर तो उतर आया। आह आ पोलका, इससे पहले कि इस जहाज को बम से उड़ा दिया जाए, बता कि तू गद्दार क्यों हो गई? मुझसे संपर्क भी नहीं किया, और नागराज के साथ मिलकर सिनेमाटो को पकड़वा दिया। क्यों? इसलिए नागराज,
तू तू नागराज को बंदी बनाकर ले आई। वाह वाह, काम बन गया। पोल का द्वारा मुझे बंदी बनाकर लाए जाने से इनको अभी तक ये शक नहीं हुआ कि मैं सचमुच में बंदी नहीं हूँ। ये मेरी योजना का एक हिस्सा है, और जब तक ये सच्चाई को समझ पाएंगे तब तक मैं मश्तून शाह तक पहुँच कर उसको अपने कब्जे में ले लूंगा। मश्तून की अफगानिस्तान में आतंकवाद की जड़ है, मश्तून ही अफगानिस्तान में आतंकवाद की जड़ है, और इस जड़ को काट देने से आतंकवाद को पेड़ अपने आप सूख जाएगा। लेकिन मश्तून तक पहुंच पाने से पहले आह, ये झटका मुझको कैसे लगा। मैंने लगाया, जब तक तुम बेबस नहीं होगे तब तक मश्तून शाह तुमको अपने कब्जे में कैसे लेगा। ये तुम क्या कह रही हो, हमारा प्लान तो मश्तून शाह को पकड़ने का था। हमारा नहीं, ये तुम्हारा प्लान था। वैसे अगर तुम ये प्लान ना सुझाते तो मैं भी ऐसा ही कुछ प्लान बताने वाली थी। दरअसल तुमको यहाँ पर बंदी के रूप में लाने का एक ही रास्ता था, तुम्हारा विश्वास हासिल करना। जब तुमने मुझको मेरी लैब में एली वैली से बचाया था, मैं तभी समझ गई कि तुम अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसानों को बेवकूफ़ बनाना पोल का अच्छी तरह से जानती है। मैंने हृदय परिवर्तन होने का नाटक किया और तुम्हारा विश्वास जीत लिया। एली वैली के बारे में जानने के लिए पढ़ा कुंडली, लेकिन मुझको यह पक्का करना था कि तुमको मुझ पर पूरी तरह से विश्वास हुआ है या नहीं। इसलिए मैंने अपने ही आदमी सिनेमाटो को पकड़वाने में तुम्हारा साथ दिया, और फिर जब तुमने मुझको अपनी ये योजना बताई तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी कि तुम बंदी बनकर मश्तून शाह के कि तुमको बंदी बनाकर मश्तून शाह के पास ले जाऊं। तुम मुझको धोखा देने के चक्कर में खुद धोखा खा गई पोलका, क्योंकि ऐसा करके तुम मुझको वहीं पर ले आई जहां मैं आना चाहता था, मश्तून शाह के पास। अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, मेरी एक विश्वंकारी तुम सभी के लिए काफी होगी। अरे मेरी मेरी विश्वंकार क्यों नहीं निकल रही है। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगी नागराज। तुम्हारी गर्दन में जो कॉलर लगा है वो तुम्हारे दिमाग से निकलने वाले संकेतों को बीच में ही रोक रहा है। तुम्हारे शरीर में मौजूद किसी भी शक्ति तक तुम्हारा मानसिक आदेश अब नहीं पहुंच पा रहा है, और जब तक दिमाग आदेश ना दे तब तक शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। तो फिर मैं इस पट्टे को उतार फेंकूंगा। देखा, तुम जैसे ही इस पट्टे को उतारने की कोशिश करोगे, ऊर्जा का एक तेज झटका तुम्हारे जोश को ठंडा कर देगा। उड़ा दो इसे बम से मश्तून, और मेरा पैसा मुझे दे दो फटाफट। ना तो पैसे कहीं भागे जा रहे हैं पोलका, और ना ही तुम जानती हो पोलका, हमारे अफगानिस्तान में हिंदी फिल्में बहुत देखी जाती हैं। मैंने भी देखी है, पर एक बात मुझको कभी समझ में नहीं आई कि विलेन हीरो को तड़पा तड़पा कर क्यों मारना चाहता है। एक झटके में ही खत्म क्यों नहीं कर देता। और ये बात मुझको आज समझ में आ रही है, अरे अगर नागराज जैसे हीरो को एक झटके से ही मार दिया जाए तो इसको मरना मारने का मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर तुम कैसे मारोगे नागराज को, पूरा तमाशा होगा पोलका। अफगानिस्तान में सभी ये इंतजार कर रहे थे कि अब नागराज यहाँ आकर मश्तून शाह का खात्मा करेगा। अब उन सबके सामने मश्तून नागराज को मारेगा तड़पा तड़पा कर। कैसे? बुचकशी से। बुचकशी? हाँ, ये हमारे यहाँ का सबसे खास खेल है। इसको पोलो की तरह घोड़ों पर बिठा कर खेला जाता है। बस फर्क इतना होता है कि स्टिक की जगह घुड़सवारों के हाथ में भाले होते हैं और गेंद की जगह भेड़। लेकिन आज की बुचकशी में भेड़ की जगह होगा नागराज। अफगानिस्तान वासियों के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। बुजकशी में भेड़ की जगह नागराज है? उफ, वही तो हमारी आखिरी उम्मीद था। उसके अलावा हमको मश्तून शाह से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। फिलहाल तो नागराज को ही मुक्ति की जरूरत है, लेकिन उसे मुक्ति दिलाएगा कौन? बुजकशी का खेल शुरू हो गया, और बेशुमार भाले नागराज के शरीर में लगातार धंसने लगे। सुना था कि इसके घाव अपने आप भर जाते हैं, लेकिन अभी तो इसके घाव नहीं भर रहे हैं। शायद इसके गले में पड़े पट्टे ने इसकी वह ताकत भी खत्म कर दी है। अपने आप घाव भरना भी मेरी एक शक्ति है, और मेरी हर शक्ति से मेरा संपर्क कट चुका है। तुमने कमाल कर दिया पोलका, इतना मजा तो मश्तून शाह को आज तक नहीं आया। अब नागराज नहीं बचेगा। नागराज तक का काटा एक बार बस सकता है मश्तून, लेकिन पोलका का काटा कभी नहीं बचता। अब मेरे पैसे दे दो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे स्विस बैंक के खाते में जमा कर दिए गए हैं को पोलका, लेकिन अभी हम तुमको जाने नहीं देंगे। अभी तो नागराज की मौत का जश्न बाकी है। अब भारती का तुम क्या करोगे मश्तून? भारती का भी जिंदा रखा जाएगा। उससे अभी हमको ये वह काम करवाना है जो अभी उसने नहीं किया। हमारे पास भारती का भी जिंदा रखने का ऑर्डर आया है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, भारती से तुम्हारा काम मैं करवा दूंगी। कैसे? अपने हिप्नोटिक सीरम की मदद से। 3 दिनों तक रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भारती वही करेगी जो मैं चाहूंगी। मैं 1 करोड़ डॉलर लूंगी। मंजूर है तो बोलो। इसके लिए मुझे पहले चीफ कमांडर से इजाजत लेनी पड़ेगी पोलका। तुमको भी ऊपर से ऑर्डर देने वाला कोई है? वाओ, कौन है ये चीफ कमांडर? ये मैं नहीं जानता। हो सकता है कि इस वक्त वह कहीं पास में हो, या फिर अमेरिका में हो, या फिर अफ्रीका में हो।
खैर मुझे क्या, पर मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती, मुझको आज ही जवाब चाहिए। मिल जाएगा जवाब, फिलहाल तो नागराज की मौत का नजारा देखो। नागराज के शरीर में भाले धंसते जा रहे थे और हर घाव उसको मौत के करीब ले जा रहा था। आह, इस पट्टे से छुटकारा पाना ही होगा, शायद घोड़ों की टापे इस पट्टे को तोड़ सके। लेकिन उफ, ये टापे तो पट्टे में गड्ढा तक नहीं कर पा रही, अब क्या करूं। नागराज पट्टे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पोलका, अगर यह पट्टा इसकी गर्दन से उतर गया तो गजब हो जाएगा। यह पट्टा टाइटेनियम और इरिडियम के मिश्रण से बनाया गया मस्तून, संसार की कोई भी ताकत ना तो इसको काट सकती है और ना ही तोड़ सकती है। इसको उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है, पट्टे को इस चाबी से खोलना, और चाबी सिर्फ मेरे पास है। नागराज ये वार्तालाप सुन तो नहीं पाया, लेकिन चाबी की झलक उसको सारा माजरा समझाने के लिए पर्याप्त थी। मुझको चाबी हासिल करनी ही होगी, मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। यह पट्टा सिर्फ मेरी गर्दन के नीचे के हिस्से की शक्तियों को रोक सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक ऐसी शक्ति है जो गर्दन के ऊपर के हिस्से में है। अगले ही पल मस्तून शाह और पोलगा के साथ साथ दूसरे आतंकवादियों ने भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। ये क्या हो रहा है पोलका? नागराज की ये शक्ति कौन सी है? इसने तो विशालकाय रूप धारण कर लिया है और तुम्हारा पट्टा अपने आप टूट गया है। ये शक्ति की तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी, अब तो ये चाबी भी बेकार हो गई है। हर नजर नागराज पर जमी हुई थी, इसलिए ये कोई नहीं देख पाया कि चाबी को उठाने वाला वह हाथ किसका था। हमारे हथियार पहाड़ों तक कसीना चाक कर सकते हैं, फिर इस नागराज की भला क्या बिसात है। उड़ा दो इसके चीथड़े, उड़ा दो इसके। ये ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियार नागराज को निशाना बनाकर दगे, और रॉकेट के ग्रेनेड नागराज की तरफ उड़ चले, लेकिन फिर वापस पलट गए और निशानेबाज खुद निशाना बन गए। यह कमाल वास्तव में नागराज की शक्तिशाली सम्मोहन का था। मेरी सम्मोहन की शक्ति मेरी आंखों में रहती है, इसलिए यह पट्टा मेरी सम्मोहन शक्ति को रोक नहीं पाया, और उसी सम्मोहन से मैंने अपने आप को विशालकाय होने और पट्टे को टूटने का भ्रमजाल दिखाया। और फिर चाबी उठाकर पट्टे को खोलकर मैं आजाद तो हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं अपना ये सम्मोहन तोड़ूंगा नहीं। जो धमाके ये रॉकेट और ग्रेनेड के समझ रहे हैं वे दरअसल मेरे ध्वंसक सर्पों के हैं। अब वास्तव में हो ये रहा था, लेकिन देखने वालों को ये दृश्य ऐसा नजर आ रहा था। अब तमाशा नागराज की नहीं बल्कि आतंकवाद की मौत का हो रहा था। देखा अब्बा, नागराज हमको आजाद कराएगा, खुशहाली वापस लाएगा। मस्तून शाह के आदमी तो मारे घबराहट की गोलियां तक नहीं चला पा रहे हैं। मस्तून शाह के आदमियों की तादाद तेजी से कम होती जा रही थी। तुम्हारे सारे एरिया कमांडरों को नागराज ने बेहोश कर दिया है मस्तून, तुम्हारे संगठन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है उसने। अब बारी हमारी और तुम्हारी है मस्तून। मस्तून अभी खत्म नहीं हुआ है पोलका, मैं नागराज को खत्म कर दूंगा और आतंकवादी संगठन को फिर से बना लूंगा। नागराज को रोकना उतना इतना आसान नहीं है मस्तून, ये मत भूलो पोलका कि नागराज की कमजोर नस अभी हमारे हाथ में है, और वह कमजोर नस है भारती। अगर नागराज किसी तरह भारती तक पहुंच गया तो मेरी 1 करोड़ डॉलर का नुकसान और तुमको अपनी जान का, क्योंकि तब चीफ कमांडर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो पोलका, फिर हम क्या करें? तुम नागराज को रोकने और खत्म करने की कोशिश करो, और तब तक मैं भारती को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाती हूँ। जब तक भारती हमारे कब्जे में रहेगी तब तक नागराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस दौरान मैं भारती को हिप्नोटिक सीरम के इंजेक्शन लगाकर उससे तो उसको तुम्हारा गुलाम भी बना दूंगी। ठीक है पोलका, ये लॉकेट लो, इसमें भारती का पता भी है, और ये देखकर पहरेदार तुमको भारती को ले भी जाने देंगे। अब तुम जाओ, और अब नागराज देखेगा मस्तून शाह की शैतानी शक्तियों का नजारा। सबसे पहले इसके विशालकाय होने का राज जानना होगा। जा मेरी शैतानी आंख और दिखा मुझको नागराज की ताकत का राज। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐलान-ए-जंग के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।